डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। उल्लासनगर शहर के गणेश मंडलों के लिए टीओ के पार्टी के अध्यक्ष ओमी कलानी द्वारा सराहनीय कार्य। 100 रूपये में मिलेगी सभी गणेश मंडलों को अनुमति। उल्लासनगर महानगर पालिका आयुक्त ने टीओ के पार्टी प्रमुख ओमी कलानी की मांग को मानते हुए उल्लासनगर के सभी गणेश पंडालों को नाम मात्र 100 रूपये का शुल्क लेकर प्रति मंडल पर अनुमति देने के आदेश दिए गए हैं। इससे गणपति पंडाल आयोजकों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें पहले अनुमति के लिए बड़ी रकम चुकानी पड़ती थी। आयुक्त के इस निर्णय से उल्लासनगर में गणेशोत्सव की तैयारियों को बढ़ावा मिलेगा। संबंधित विभाग को आदेश जारी कर दिए गए हैं और अब पंडाल आयोजक नाम मात्र शुल्क पर अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। पालिका आयुक्त से डिमांड की थी कि जो गणेश मंडप डाले जाते हैं गणेशोत्सव में, उसकी जो फीस है वो माफ होनी चाहिए। उस पर कुछ निर्णय हुआ, क्या निर्णय हुआ बताइए। देखिए, ओमी कलानी जी की अध्यक्षता में सभी नगर सेवकों ने, हमने जो नए आयुक्त हैं हमारे विकास ढाकने जी, उनसे हमने मुलाकात की थी और उन्होंने उनको कहा था कि महाराष्ट्र शासन का एक निर्णय हुआ है और जो सरकार ने निर्णय लिया है उस सरकार के निर्णय अब तक महानगर पालिका के डब्बों में पड़ा था और ओमी कलानी जी ने मांग रखी थी, एक ज़ोरदार मांग, कि उल्लासनगर शहर के अंदर जो गणपति मंडल हैं, जो रास्तों के ऊपर सड़कों के ऊपर जो गणेश उत्सव मनाते हैं और उनसे 2000, किसी को 2500, किसी को 3000, किसी को 1500 रुपये ऐसी फीस ले रहे थे महानगर पालिका। ओमी कलानी जी के माध्यम से हमने आयुक्त महोदय से मांग की थी कि उसकी जो फीस है वो सिर्फ 100 रुपये मात्र नाम भाड़े रखनी चाहिए। वो आज आयुक्त महोदय ने मान्य करके हमारी जो हमें सभी नगर सेवक हम गए थे उन नगर सेवकों की और ओमी कलानी जी की जो मांग थी उन मांग को देखते हुए आज कमिश्नर महोदय जी ने एक उल्लासनगर में पहली बार ऐसा निर्णय लिया गया है जिस निर्णय में सिर्फ अब गणपति मंडलों को 100 रुपये फी महानगर पालिका को पे करनी होगी और वो भी 5 साल के लिए परवानगी उनको दे दी जाएगी, ऐसा GR में लिखा हुआ है। और ये जो है अतिरिक्त आयुक्त हमारे जो गवस है, उन्होंने किशोर गवस जी ने ये निर्णय आदेश निकाला है, तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर। मैं सभी गणेश मंडलों को विनंती करता हूँ कि अभी आपकी 100 रुपये सिर्फ आपको फीस भरनी होगी, जो ओमी कलानी जी ने आप लोगों के लिए, शहर के आम नागरिकों के लिए, गणेश उत्सव मंडलों के लिए, आप लोगों के 1000 रुपये बचाने के लिए जो हमने मुहिम लगाई थी, उस मुहिम का आयुक्त महोदय को हमने कहा, हमने मांग रखी ओमी कलानी जी ने जोरदार तरीके से और उस मांग को आज स्वीकार करते हुए क्या अच्छा और ऐतिहासिक निर्णय उल्लासनगर शहर के लिए हुआ है। जो गणपति मंडल हमारे हिंदू समाज के जो सन है, जो पावन सन है, गणपति मंडलों को बहुत बड़ी छूट मिली है जहाँ पर 1000 रुपये, लाखों रुपये हमारे शहर के मंडलों के बच जाएंगे। गणेश उत्सव अभी 2 ही दिन पे आया हुआ है और 1.5 दिन के गणपति का विसर्जन ये यानी 3-4 दिन में होने वाला है, तो ऐसी परिस्थितियों में जो विसर्जन घाट कृत्रिम बनाए जाते हैं उसका काम किधर शुरू हुआ हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, उसका आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो जो गणेश मंडलों के ऊपर जो कमिश्नर महोदय ने निर्णय लिया उसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और जो कृत्रिम घाट बनाने की जो प्रक्रिया है वो अब तक कहाँ पर भी चालू नहीं हुई है और चालू न होने के कारण हमारे जो हिंदू समाज के जो त्यौहार हैं उन त्यौहारों की पूर्व प्रशासन ने तैयारी करनी चाहिए पर प्रशासन फेल नज़र आ रहा है और फेल नज़र आते हुए भी ये अब मैं कहूँगा कि ये सब जो काम है वो शहर के आमदार का है, क्योंकि प्रशासकीय राज में अब कोई भी नगर सेवक नहीं है। उनका काम था कि उन्होंने प्रशासन को जागरूक रखना चाहिए था और ये सब होना चाहिए था, पर अभी आज 4 तारीख है और सिर्फ 2 से 3 दिन बचे हुए पर महानगर पालिका ने कहाँ पर भी काम नहीं चालू किया है। पर मुझे अभी जानकारी मिली है कि जो 10 लाख रुपये के 10 टेंडर किए गए थे उन टेंडरों को एम रामचंदानी कंपनी के नाम पर वो टेंडर आ चुके हैं। मैं आशा करता हूँ कि एम रामचंदानी जी बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर तालाब बनाएंगे और शहर के मंडलों को सुरक्षित ऐसे तालाब देकर शहरवासियों को एक अच्छा काम देंगे। और उन्होंने इस बार महानगर पालिका के 25 से 30 लाख रुपए बचाए हैं रामचंदानी साहब ने, क्योंकि उन्होंने इस बार जो टेंडर है वो 25 से 30% बिलो भरा है, तो हमारे महानगर पालिका का और शहर के नागरिकों का 25 से 30 लाख रुपये बच भी गया है और वो अच्छे तरीके से अच्छी क्वालिटी का काम करेंगे और हमारे हिंदू समाज के तमाम साथियों को
हमारे गणपति मंडलों को बहुत राहत मिलेगी, उनके काम और उनकी क्वालिटी का काम जो है वो अच्छे तरीके से करेंगे, मैं उनसे आशा करता हूँ।